साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना, जिसको पीएमएफएमई स्कीम बोलते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। हमारे देश में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण के ऐसे उद्योग हैं जो अपंजीकृत हैं, असंगठित रूप से संचालित हो रहे हैं। इसमें 66% यूनिटें ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, जो कि लगभग 80% पारिवारिक रूप से संचालित है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं, जो कि कम लागत और कम टर्नओवर वाले होते हैं। ये सभी मशीनें सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि यदि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में सूक्ष्म उद्योग लगे हुए हैं, इसके बावजूद आज मार्केट की प्रतिस्पर्धा में पीछे क्यों हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण अगर हम देखते हैं तो भारत में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके पास उच्च तकनीकी की मशीन, प्रशिक्षित मैन पावर, उच्च क्वालिटी के पैकेजिंग, आधुनिक मार्केटिंग रणनीति तथा उत्पादन की ब्रांडिंग, उच्च गुणवत्ता, स्वास्थ्य मानकों का ध्यान रखते हुए बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से अपने उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। इसके साथ बैंकों द्वारा भी आसानी से ऋण की सुविधा उनको मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो उद्योग लगे हुए हैं, उनको देखा जाए तो मशीनरी का अभाव होता है, कार्यशील पूंजी का अभाव हो जाए, पैकेजिंग ब्रांडिंग का अभाव होता है, बैंक सपोर्ट का अभाव होता है, गुणवत्ता तथा स्वास्थ्य मानकों का अभाव होता है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल तथा प्रशिक्षण का अभाव होता है, जिस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते हैं। भारत सरकार द्वारा लोकल फॉर वोकल की अवधारणा को लेकर एक योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक पंचवर्षीय अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है, जिसमें केंद्र सरकार का 60%, राज्य सरकार का 40%, जबकि पूर्वांचल हिमालय क्षेत्र में केंद्र सरकार का 90, राज्य सरकार का 10% हिस्सेदारी होगी। इस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत 2 लाख सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता दी जाएगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना को प्रारंभ करने का जो उद्देश्य है वो है, नंबर एक, तकनीकी ज्ञान कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों में क्षमता का निर्माण करना। नंबर दूसरा है प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म प्रसंस्करण के जो उद्योग हैं उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। नंबर तीसरा है सूक्ष्म उद्योगों के साझा सेवाओं के लाभ देने के लिए एफपीओ, सह सहायता समूह, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी जो समितियां हैं उनके लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना। नंबर चौथा है मौजूदा उद्योगों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण एवं औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर ले जाने में सहायता उपलब्ध कराना। नंबर पांचवा है ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग में पूरी सहायता उपलब्ध कराना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण की यूनिटों में आपको क्या क्या सहायता तथा अनुदान मिलेगा। तो नंबर एक है खाद्य प्रसंस्करण के जो उद्योग हैं उनमें व्यक्तिगत जो व्यापारी हैं, व्यक्तिगत उद्यमी हैं, उनके लिए हम बताते हैं। तो नंबर एक है इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमी जो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों का विस्तार तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन करना चाहते हैं उनको कुल परियोजना लागत का 35% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। राशि में अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान होगा। अभ्यर्थी को यह याद रखना पड़ेगा कि न्यूनतम 10% की मार्जिन मनी अभ्यर्थी को लगाना है, शेष बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मार्जिन मनी कुल परियोजना लागत का वो अंश या भाग होता है जो हितग्राही द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि कौन व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है। नंबर एक, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नंबर दूसरा, न्यूनतम योग्यता 8वीं पास हो। नंबर तीसरा, स्वयं की भागीदारी फर्म या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। नंबर चौथा, इस योजना में एक परिवार का एक ही व्यक्ति पात्र होगा, परिवार से संबंधित पति पत्नी और बच्चे आते हैं। नंबर पांचवा, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान का हितग्राही जो है तो डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। यदि आपने लोन लिया है और चुकता नहीं किया है तो आप एनपीए हो गए होंगे, आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। नंबर दूसरा है स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रारंभिक पूंजी की सहायता। इस योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के लिए वर्किंग कैपिटल
तथा छोटे औजार खरीदने हेतु खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान के रूप में प्रारंभिक पूंजी SHG के फेडरेशन के स्तर पर दी जाएगी, जो आगे SHG द्वारा ऋण के रूप में सदस्यों को दी जाएगी। पात्रता की हम बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत पात्र कौन है। SHG की बात करूँ तो प्रारंभिक पूंजी के लिए केवल वो ही SHG जो वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत है वो पात्र होंगे। नंबर तीसरा है, क्लस्टर में कार्यरत SHG FPO कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलने वाली सहायता क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नंबर एक है, यथा निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ पूंजी निवेश हेतु क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान की सहायता मिलेगी। नंबर दूसरा है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में तकनीकी उन्नयन के लिए क्षमता वर्धन तथा प्रशिक्षण की सहायता मिलेगी। नंबर तीसरा है, बड़े क्लस्टर के स्तर पर ब्रांड विकसित करने हेतु ODOP के अंतर्गत उत्पादों के वितरण एवं ब्रांडिंग के लिए 50% की सहायता आपको मिलेगी। अब हम पात्रता की बात करते हैं कि कैसे कौन व्यक्ति इसमें पात्र है। तो नंबर एक है, क्लस्टर कम से कम 3 वर्ष तक ODOP उपज के प्रसंस्करण में लगा होना चाहिए। नंबर दूसरा है, SHG FPO कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तथा प्रस्तावित परियोजना लागत वर्तमान टर्नओवर से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर तीसरा है, SHG FPO कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास परियोजना लागत तथा कार्यशील पूंजी के लिए कम से कम, जब हम मार्जिन मनी लगाएं तो 10% की मार्जिन मनी उनके पास होना चाहिए। नंबर चौथा है, सामान्य अवसंरचना के सृजन में सहायता। FPO, SHGs, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राज्य एजेंसी अथवा निजी उद्यमी जो साझा प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए एक सहायता सुविधा उपलब्ध होगी, जैसे इक्यूवेटर सेंटर, प्रयोगशाला, गोडाउन बनाना, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि। साझा बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं तो क्रेडिट लिंक्ड अनुदान जो है वो 35% की आपको सुविधा मिलेगी। आवेदन करने तथा आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप साइट में विजिट करिए। साइट है pmfme.mofi.gov.in। इस साइट में विजिट कर पूरी जानकारी ले सकते हैं, साथ में अपने स्थान में, अपने जिले में उद्यान विभाग से संपर्क कर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।